क्या आप दूध की बर्बादी करते हैं? क्या अक्सर आपके हाथों से दूध गिर जाता है? क्या आपके घर के अंदर अक्सर दूध फट जाता है? या फिर दूध को गर्म करते समय चूल्हे के ऊपर अक्सर दूध गिर जाता है? यदि ऐसा है तो आप कहीं ना कहीं दूध से होने वाले नकारात्मक प्रभाव के शिकार होने वाले हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से दूध आपके जीवन पर असर लाता है, किस प्रकार से आपका करियर, आपका परिवार, आपके बच्चों की शिक्षा, उनकी मानसिक स्थिति और आपके खुद के विचार दूध से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अपना परिचय देते हैं। हम पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं JDJ एस्ट्रोलॉजी यानी जीवन दर्पण ज्योतिष। मित्रों, कहा जाता है चंद्रमा मनसो जातो। चंद्रमा मन का कारक है, मन के विचारों का कारक है। अब चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे दूध से है, हमारे विचारों से है। जब आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप चंद्रमा की वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आपके घर के अंदर दूध की बर्बादी किसी भी रूप में होती है तो आप अपनी कुंडली के चंद्रमा से छेड़छाड़ कर रहे होते हैं सीधे रूप में, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि दूध को ना तो पैरों से छूना चाहिए और ना कभी दूध को अपमानित करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि दूध अमृत तुल्य है और यदि दूध का अपमान किया तो आपका भाग्य आपसे रूठ जाएगा। जी हाँ मित्रों, तो अब होता क्या है, चंद्रमा हमें क्या देता है? जीवन में हमें बहुत सारी चीजें चंद्रमा से मिलती हैं। मन की स्थिति चंद्रमा से मिलती है, पैसा, स्थायी प्रॉपर्टी, मां का सुख, परिवार का सुख, ये सब कुछ हमें चंद्रमा से प्राप्त होता है। तो मित्रों, अब बहुत खास बातें आप जान लीजिए। देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, अब चंद्रमा की स्थिति अच्छी होना और चंद्रमा कमजोर होना दो अलग अलग बातें हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है और ऐसे में यदि आप वासी दूध पीते हैं, यानी कि आप शाम का दूध अगली सुबह पीते हैं, ठीक है ना, तो वो बासा माना जाएगा। सुबह का दूध शाम को पीते हैं तो वह बासा माना जाएगा। यदि आप बासा दूध पीते हैं तो आपकी कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है वो आपको और खराब परिणाम देगा। इसके अलावा बहुत से घरों में देखा गया है कि जब दूध फट जाता है तो हमारी माता बहनें उसका पनीर बना देती हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है और इस फटे हुए दूध का यदि आप पनीर का इस्तेमाल घर में कर रहे हैं तो भी आपको नकारात्मक प्रभाव उसके मिलेंगे। आपको पनीर लेना है, बाजार से खरीद के लेके आइए। लेकिन जो दूध अचानक से फट गया है, आपने दूध को फाड़ा है अलग बात है, लेकिन अचानक से फट गया है, उसका आपने पनीर का इस्तेमाल किया तो ये चंद्रमा को खराब कर देगा। एक और बात, इसके अलावा बहुत से घरों में दूध को बिना ढके रखा जाता है, उस पर कोई बर्तन नहीं रखा जाता, उसको खुला छोड़ दिया जाता है। यह आपके मन की स्थिति को कमजोर करेगा और आपकी माता जी की तबीयत को और उनके साथ आपके संबंधों को भी खराब करेगा। जो लोग सुबह दूध खरीदते हैं और सुबह ही उसको उबालते हैं, गर्म करते हैं और ताजा दूध पीते हैं, उनका चंद्रमा हमेशा मजबूत बना रहता है। कुंडली में यदि चंद्रमा खराब भी है तब भी आप ताजा दूध पिए, दूध को खरीदने के बाद उसको गर्म करें और ढक करके उसको घर में रखें। कोशिश करें दूध अग्नि पर ना गिरे, दूध खराब ना हो, दूध छलके नहीं। मित्रों, इसके अलावा जिन घरों में लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आपस में अक्सर झगड़ा होता रहता है, रिश्तों में करवाहट आ रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, बीमारियां घर में बढ़ रही हैं, उन घरों में कहीं ना कहीं आपको दूध से संबंधित होने वाले इन प्रभावों में से कोई प्रभाव दिख जाएगा। दूध किसी ना किसी रूप में उस घर में खराब हो ही रहा होगा।
या हम दूध की बेकदरी कर देंगे, जितनी जरूरत है उससे अधिक दूध खरीदेंगे और बाकी का दूध पड़ा रहेगा। एक दिन का दूध दूसरे दिन चलेगा, दूसरे दिन की शाम तक चलेगा। अगर ऐसा है तो आपको इससे बचना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब है, उन लोगों को रात को दूध पीकर नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा किसी भी खास काम पर जाते समय दूध पीकर नहीं जाना चाहिए, उससे काम बिगड़ जाएगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अच्छा है, वह रात को दूध पी सकते हैं, लेकिन दूध के अंदर चीनी ना मिलाएं, सादा दूध पिएं बिना चीनी का। यदि मां की तबीयत ठीक नहीं रहती है और बहुत मेहनत करने के बाद भी यदि आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आप मान लीजिए कि आपका चंद्रमा खराब है, यह पहचान है, और आपको रात को दूध नहीं पीना है। इसके अलावा यदि चंद्रमा और मंगल दोनों ही कुंडली के अंदर यदि खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, तब आपको माथे पर दूध का तिलक करना है और सोमवार को दूध का सेवन नहीं करना। चंद्रमा खराब है तो सोमवार के दिन दूध का दान करना है। दान कहां करना है? शिव मंदिर में आप दूध का दान करें या भगवान भोलेनाथ को आप दूध समर्पित करें सोमवार को। दोस्तों, इसके अलावा गांव के अंदर, देहातों के अंदर अक्सर लोगों को कहते सुना गया है कि गाय और भैंस का दूध जैसे ही निकले ताजा दूध पी लीजिए, यह बहुत अच्छा होता है। वरन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो ताजा दूध होता है, यदि उस जानवर ने कोई भी ऐसी चीज खा ली है, भैंस ने कोई ऐसी चीज खा ली है, या गौ माता ने कोई ऐसी चीज का भक्षण कर लिया है जिसकी वजह से दूध के अंदर भी वह जीवाणु चला गया है, तो दूध कच्चा पीने से वह जीवाणु आपके अंदर भी चला जाएगा। इसलिए दूध को हमेशा गर्म करके ही पीना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मित्रों, जो लोग किसी नदी के किनारे रहते हैं, नाले के किनारे रहते हैं, यानी कि कोई भी जल के स्रोत के किनारे रहते हैं, उन लोगों को चांदी के गिलास में दूध पीना चाहिए। यदि मां की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तब ऐसे में कम से कम 11 सोमवार अपनी मां के हाथों से दूध का दान शिव मंदिर में अवश्य कराना चाहिए। जिन बच्चों में बहुत आलस है और बच्चे इतने आलसी हो गए हैं कि वह अपना कार्य भी ठीक से नहीं करते हैं, उन बच्चों को दूध वाली चाय देना बंद कर दीजिए और ग्रीन टी वगैरह उनको पिलाइए। जिनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति कमजोर है, ऐसे लोगों को दूध में हल्दी डाल करके पीनी चाहिए। जिनकी कुंडली में मंगल और शुक्र दोनों ही कमजोर स्थिति में हैं, उन लोगों को एक चम्मच शहद डालकर दूध में पीना चाहिए। जिन महिलाओं की जन्म कुंडली के अंदर मंगल और चंद्रमा अशुभ स्थिति में हैं, उनको दूध के अंदर केसर डालकर पीना चाहिए। और जिन लोगों की कुंडली के अंदर बृहस्पति कमजोर है, उनको छाछ पीनी चाहिए, मठ्ठा पीना चाहिए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उन कन्याओं को सोमवार को दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। यदि किसी को खून और हड्डियों की तकलीफ है, तो उनको 11 सोमवार दूध का दान करना चाहिए। मित्रों, तो आज हमने जाना कि दूध हमारे लिए कितना उपयोगी है और किस प्रकार से हम अपने जीवन में दूध का प्रयोग करके अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो आगे भी हम आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं, तो आपने अभी तक जो हमारी वीडियो नहीं देखी, वो आप जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर आपको एक से बढ़कर एक उपाय मिलेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नवीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।